वेलकम टू अक्रम डेरी फार्म चैनल। हमें आज श्रीरामपुर में महाराष्ट्र में शिरडी से बहुत ही नियरेस्ट यहाँ का लोकेशन है। सारी डिटेल हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो सारी पर्शियन कैट्स के ऊपर है। बहुत सारे यहाँ पर हिमालयन भी है, पर्शियन भी है, तो यहाँ के जो ओनर है उनसे मैं सारी डिटेल बतलाऊँगा आप लोगों। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? क्या नाम है आपका? अंसार याकूब शेख। तो अंसार भाई, आपके पास सबसे पहले जो हाथ में है ये मेल है या फीमेल है? मेल है। क्या एट मंथ्स का है अभी? और फर क्वालिटी माशाल्लाह है, बहुत शानदार। देखिए कौन से फेस में है ये? फुल पंच में। फुल पंच में? एक्सट्रीम तो नहीं है लेकिन हाँ, एक्सट्रीम तो नहीं है, फुल पंच में आ जाएंगे। और देखिए मैं इसका क्लोजअप भी बता रहा हूँ भाई के साथ, और दोनों की कंडीशन बहुत शानदार है। जैसे यहाँ पर ओनर की भी देख रहे हैं आप और इसकी पर्शियन की भी, पंच फेस के अंदर है, बहुत शानदार। येलो आइस है ना इसके? नहीं, इसके रेगुलर आइस है। हाँ, रेगुलर येलो ही होते हैं वो, उसके ब्लू आइस है। ठीक है, ये सेल के लिए है अवेलेबल? सेल के लिए तो हाँ है। क्या प्राइस मांग रहे हैं आप इसका? ये 45,000। 45,000? 45,000। ट्रांसपोर्टेशन ऑल इंडिया रहेगा आपके पास? हाँ, ऑल इंडिया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल बतलाऊंगा मैं, और भी बहुत सारे हैं, सभी देखेंगे। अभी सिर्फ 9 मंथ्स का है बोले ना अभी? हाँ, 8 मंथ्स का है। 8 मंथ्स का है तो ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी इसकी? नहीं, अभी 2 मंथ बाकी है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास ये वाला एक है और ये आजम भाई है। अस्सलाम वालेकुम। फिर से आजम भाई, अंसार भाई इसकी डिटेल बतलाइए। ये जो है ये में है ये। अच्छा, ये नहीं, ये भी पंच में है, एक्सट्रीम पंच नहीं है, ये फुल पंच में है। हाँ, फुल पंच में है, बिल्कुल वाइट है। और मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है। फीमेल किटन है अभी? 4.5 मंथ्स की, यानी सिर्फ 4.5 महीने की किटन है। देखिए अभी, और फर क्वालिटी इसकी भी देख सकते हैं आप, चेहरा बहुत अच्छे पंच में है। इसका क्या प्राइस रखेंगे आप? इसका 40,000। 40,000। अच्छा, जो प्राइजेस बता रहे हैं आप इसमें कुछ कम भी हो जाएंगे? हो जाएंगे, नेगोशिएशन। ओके, नेक्स्ट में फिर आपके पास ये एक है, वाइट वाली को छोड़ दीजिए, ये कौन सी है? ये डॉल फेस में है। डॉल फेस में और हिमालयन है? ब्लू आईज है। अच्छा, ये बिल्कुल ब्लू आईज है, हिमालयन है। देखिए हिमालयन की पहचान में जैसे बतलाया था लास्ट टाइम भी आप लोगों को, इसके कान ब्लैक आते, शेड आता, और चेहरे पे, टेल पे और हाथों पे हल्का सा। डॉल फेस में है ये। और क्या एज है इसके भी? ये 15,000। 15,000 आसिंग प्राइस है। एज एज क्या है इसकी? 5 मंथ की है। 5 मंथ्स किटन है अभी ये भी? हाँ, ये 5 मंथ। हाँ, 5 मंथ। और ये भी फीमेल है? ये भी फीमेल। ठीक है, 15,000 में ये भी कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट में आपके पास और कौन से है? नेक्स्ट में आपके पास ये एक है, और ये फीमेल है या मेल है? फीमेल है। फीमेल है, और ये भी येलो आइस में है ना? हाँ, येलो आइस में। सिमी पंच है। हाँ, क्या प्राइस है इसका? ये देंगे 8,000 रुपये में। 8,000 में। और क्या एज है इसके अभी? इसकी एज 20 मंथ है। 20 मंथ्स है। हाँ, यानी नियरली 2 ईयर्स है। हाँ, तो एडल्ट हो चुकी है ना अभी? हाँ, ठीक है। इसी मीटिंग हुई एक बार? हो गई मीटिंग। ठीक है, अभी प्रेग्नेंट है या खाली है? नहीं, अभी हिट पर आई है। अभी हिट पर है, ठीक है। नेक्स्ट में आप दूसरी वाली बताइए। नेक्स्ट में ये एक है जिंजर कलर, ओके, और ये भी सिमी पंच है। इसके कान को क्या हुआ? ये इसका कान पैदाइशी छोटा है। पैदाइशी बाई बर्थ है ऐसा? क्या एज है इसकी? ये 16 महीने की है। 16 महीने की है। और इसकी हुई मीटिंग अभी तक? हाँ, ये भी एक बार बच्चे दी हुई है। ठीक है, ये भी येलो आइस में है। और क्या प्राइस है इसका? ये दे देंगे 7,000 रुपये। 7,000। 7,000। देखिए स्टार्टिंग में जैसे प्राइसेस हाई देखिए तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। फर क्वालिटी वगैरह इसकी भी बहुत अच्छी है, एक्टिव है सभी। वैक्सीनेशन करे हुए हैं? नहीं, डीवॉर्मिंग हुआ इनका। डीवॉर्मिंग हुआ, वैक्सीनेशन पहले हुआ था, मतलब अभी ज्यादा ही होगा तो नहीं किया। ओके, नेक्स्ट में फिर ये ग्रे कलर में है, और ये मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है, 11 मंथ की है। ये भी फीमेल है और 11 मंथ्स की है। ये प्रेगनेंट है। ये प्रेगनेंट है, कितने मंथ्स की? 25 दिन हुए शायद। 25 दिन की। कितने दिन में बच्चे देते है? ये कुछ 50-65 दिन में बच्चे दे देते। ओके, 50-65 डेज के बीच में देते ना। ये भी येलो आइस में देखिए। और क्या एज है बोले थे आप इसकी? 11 महीने 11 मंथ्स एज है और येलो आइस में है। बहुत अट्रैक्टिव, देखिए आप
जो लुकिंग है इसकी, फर क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, जो बाल की झालर वगैरह है। क्या प्राइस मांग रहे हैं आप इसका? ये देंगे अपन 10,000 रुपये। 10,000 में? 10,000 प्रेग्नेंट में है ना? हाँ प्रेग्नेंट भी है। कौन से मेल से मेटिंग करवाई थी आप? वो मेल तो सेल हो गया। अच्छा, लेकिन अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी इसकी। ओके, मोबाइल नंबर बतलाइए अपना। हाँ इंग्लिश में ही बोलिए। 9226 9226 1717 2817 1717 2817। ओके, इस नंबर पर कॉल करें तो हमेशा अवेलेबल हो जाएंगे आप? हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑल इंडिया है, हर क्वालिटी के अपने पास फीमेल अवेलेबल रहेगी। और ज्यादातर एक्सट्रीम में रहेगा। ओके, नॉर्मली भी अगर किसी को चाहिए तो ये भी अवेलेबल करवा देंगे आप, एक्सट्रीम क्वालिटी भी मिल जाएगी। एडल्ट तक सब अपने पास अवेलेबल रहेगा, किटन से एडल्ट तक सभी अवेलेबल करवा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करवा देंगे? हाँ जी, पूरा कंप्लीट, ऑल इंडिया अवेलेबल है। ऑल इंडिया। ओके, जो प्राइसेस बतलाए थे अब ये भी कम होंगे? हाँ, नेगोशिएबल होगा, नेगोशिएबल हो जाएंगे ना। आपका एड्रेस कहाँ पर है? हमारा महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीरामपुर तालुका। महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, श्रीरामपुर तालुका है आपका? ओके, शिरडी के करीब। शिरडी के करीब में है, ठीक है। इसके साथ साथ आजम भाई का एक यहाँ पर पीजेंस का सेटअप है, वो भी बतलाऊंगा मैं इसके अंदर। देखिए, नाम के लिए तो फेमस हो गए बग्गी वाले मास्टर बोल के, लेकिन शौक सभी जानवरों में, जैसे आप यहाँ कैट देखे थे और इससे पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को बग्गियाँ और घोड़े वगैरह बतलाया। यहाँ पर बोर का कलेक्शन है, बोर बकरियाँ भी है, और यहाँ पर पर्शियन कैट देखे थे। ये एक सेटअप है पीजेंस का। कौन से है इसमें ब्रिड्स? इसमें कोयम्बतूर है, पंजाब है, रामपुरी है, गर्रे है। रामपुरी कौन से होते? रामपुरी। अच्छा, हमारे पास गिरेबाज बोलते हैं उसको। गिरेबाज ये नीले वाले, मतलब नहीं क्या, जो पलटी मार के उसको गिरेबाज बोलते हैं, ऐसे नीले रहते हो गिरेबाज, ये भी गिरेबाज। कब से कर रहे हैं आप शौक इसका, कितने साल हो गए? मेरे पापा मेरे से छोटे थे, जब से तो अभी तक ही है। अच्छा, यानी आपके वाले साहब का शौक है? वाले साहब से चल रहा है, हमारे में भी आया है। अच्छा, और स्पेशली यहाँ पर सभी पूरे एडल्ट पेयर्स है ना, यानी पूरे ब्रीडिंग पेयर्स है, और तकरीबन अंडों के साथ में है। देखिए आप, कुछ बच्चे भी आ गए हुए यहाँ पर, चिक्स भी है। कितने कबूतर है आपके पास अभी? 50 होंगे, 2000 कबूतर थे, बस सेल कर दिए सब, 50 ही रह गए। 2000 थे? 2000 थे। क्या वजह हुई, रीजन क्या था? वो अभी हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। हाँ हाँ। यही नाद लग चुका था। अच्छा। कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। हाँ हाँ। एक बार फेल भी हुए 10th में। अच्छा। तो रीजन के लिए पापा ने सब दे दिए, ये वापिस आए, शौक रहता वो इतने रख लिए फिर। बराबर, तो अभी फिर 10th वगैरह सब क्लियर हो गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेजुएशन भी कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, देखिए शौक ऐसे होता है, सभी जानवरों का शौक है भाई के पास। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, यानी तुगड़ियाँ उड़ाने का भी काम करें आप इसके अंदर, हाई फ्लायर्स भी है आपके पास, सभी है। चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।